आवाज न्यूज 24 में आपका स्वागत। मैं वीरू चिंतन अंसारी। इस समय मैं मौजूद हूँ ग्राम पोस्ट अजोसी गंगोपुर तहसील मणियाहू थाना सिकराला जनपद जौनपुर। आपको बता देना चाहता हूँ कि राधा कृष्ण लोक कल्याण समिति के तत्वाधान में सार्वजनिक दुर्गा पूजा एवं श्री राम कथा का कार्यक्रम आयोजन किया गया। आपको बता देना चाहता हूँ कि पूज्य शिवम जी महाराज द्वारा यहाँ पर कथा को सुनाया गया। आयोजककर्ता धर्मराज यादव जी आगे की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आवाज 24 में आपका स्वागत। राधा कृष्ण लोक कल्याण समिति के तत्वाधान में सार्वजनिक दुर्गा पूजा श्री राम कथा का आयोजन किया गया है अजोसी गंधोपुर धर्मराज यादव द्वारा यहाँ पर। आप इसका क्या उद्देश्य है? श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ये जो कार्यक्रम हो रहा है राम कथा का आयोजन किस लिए होता है आपने प्रश्न किया जी। तो राम कथा का आयोजन का उद्देश्य है समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए राम कथा का आयोजन होता है। श्री राम कथा हमें जीना सिखाती है कि हमें कैसे जीना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने आचरण में क्या क्या किया, राम जी ने क्या क्या किया, ये राम कथा हमें सिखाती है, प्रेरित करती है कि राम जी ने जो किया वो हमें करना चाहिए। राम जी सुबह उठते थे, माता पिता को प्रणाम करते थे। राम कथा का उद्देश्य है कि बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करें, माता पिता को प्रणाम करें। राम जी पिता के वचनों के लिए राज गद्दी को ठोकर मार करके वन में चले गए। राम कथा हमें सिखाती है कि संसार की कोई भी अमूल्य वस्तु आपको मिलती रहे, लेकिन अगर पिताजी आपको आदेश कर दें कि इसको नहीं लेना है, तो वचनों का मान रखते हुए उस वस्तु को तुच्छ समझ करके त्याग देना चाहिए। यही राम कथा का उद्देश्य। आज 9 दिन बीत गए हैं जो कथा के, गांव वालों ने क्या संदेश लिया है? अब गांव वाले को तो खूब समझाया गया है, खूब कथा समझाया गया है और कथा भी समझे हैं। अब आज तो हमने मांस भक्षण शराब पीने के प्रवचन किया है कि समाज को, हिंदुओं को, सनातनियों को मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, किसी भी पर स्त्री को गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो ये लोग यही सीख लेंगे, अगर सीख लेंगे तो सुखी रहेंगे, नहीं लेंगे तो कोई बात ही नहीं, हमारा क्या जाएगा। धर्मराज यादव भैया के लिए आप क्या कहेंगे? धर्मराज भैया के लिए यही कहेंगे कि ये धर्म के ही अवतारी हैं, यही कहना चाहेंगे। जो धर्म का कार्य करवाए, इनका नाम धर्मराज है, लेकिन ये काम भी धर्मराज वाला ही करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं। अभी देखिए आप सुन रहे हैं कितनी माताओं को साड़ी वितरण कर रहे हैं, गरीबों को राशन नहीं रहता राशन वितरण करते हैं, शिक्षा फ्री करने के प्रयास में लगे रहते हैं, पुस्तकें बांटते हैं, दवाइयां बांटते हैं और टी शर्ट बांटते हैं, गरीबों का मदद करते हैं। तो इनके लिए यही कहना चाहेंगे कि ये ऐसे खूब आगे बढ़ते रहें, खूब धनपति बने और ऐसे समाज का सेवा करते रहें, यही भगवान से कहना। जो विदाई समारोह अभी आप पढ़ रहे थे उसको बताइए। विदाई समारोह का ऐसा है कि सबको एक न एक दिन विदा होना ही है, इस समाज की रीति है। तो हम लोग भी आज भगवान की कथा गा करके अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान करेंगे, तो इसलिए हमने विदाई गीत गाया, उसी को गाइए। अजोसी ग्राम के प्यारे वासी सदा खुश रहना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना, आत्मा की बात हम तो बतला रहे हैं, हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं। जैसा कि राधा कृष्ण लोक कल्याण समिति के तत्वाधान में सार्वजनिक दुर्गा पूजा श्री राम कथा का आयोजन किया गया, इसका क्या उद्देश्य है और इस नाम को रखने का क्या उद्देश्य है? मैं शुरू से ही बचपन से ही राधा कृष्ण ही था मेरी लगाव है, और बचपन में मैं मुंबई में ही पाली करता था। आपके भी मुंबई में मैं दुर्गा पूजा और गणेश उत्सव करता ही था। मैं 2017 में यहाँ पे जब आया, 2 साल तो दुर्गा पूजा बैठाया मैंने, उसके बाद फिर हमने 2021 में भागवत कथा करवाया, 2022 में करवाया, पिताजी थोड़ा ख़त्म हो गए, 1 साल नहीं करवाए, वापस हम लोग 2024 में रामकथा करवाए। इसका उद्देश्य यह है किसी को कुछ मिले न मिले, हमें उसका आगे जाने की बहुत चीज़ें मिल रही है जी। जैसा कि कौन सा कार्यक्रम आपने कराया यहाँ पर, जो है कितने तारीख से स्टार्ट हो, कितने तारीख तक? अभी यहाँ पे मैंने शुरू करा 3 तारीख से दुर्गा पूजा चालू हो गया, दुर्गा जी लाए हम लोग,
तीन तारीख से कथा चालू हुआ, राम कथा चालू हुआ जी। 6 तारीख को भोजपुरी एक्टर अरविंद का कल्लू जी आए थे जी। इसके बाद अभी कल विसर्जन है जी, और परसों हमारा भंडारा है जी, और उसके बाद फिर इसे ख़त्म करके हम अपने देश चल पाएंगे मुंबई जी। तो आपको यहाँ आके देश की याद आएगी कि नहीं आएगी? मतलब देश की याद आती है, लेकिन यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो है, उनसे हमारा निवेदन है, कहीं भी कथा हो या कुछ भी हो, हर इंसान को मिल के उत्सव मनाना चाहिए, चाहे कोई भी उत्सव हो। क्योंकि क्या होता है कि आयोजक का उसे मन बढ़ता है, और जब आज अगर मन बढ़ेगा तो जिंदगी मतलब जितना ही टाइम मिलेगा अपना साथ प्यार बांटेगा गाँव में। आज उसी के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आज? यही देना चाहते हैं कि अब अगले साल तो अभी 1 साल तो निकल गया, कम से कम उनके अंदर अब बुद्धि आए, और बुद्धि लेके कम से कम उससे क्या मिलता है। अभी जितना जितना दिन जो लोग आएंगे उतनी ही मिलेगा ना उनको, ज़्यादा भी मिल नहीं सकता है। हमें तो 9 दिन बहुत ही मिलता है, हमें तो ये पूरा बनाना कि अकल बिगड़ जाएगा, पूरा हट जाएगा सब चीज़ें।